देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीई बीएई 181 का, हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करेंगे, जो कि आपका जून 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आप सबको सोल्व करवाने वाला हूँ। बीए बीएई 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन की अगर मैं बात करूँ, आपका जो एग्जाम होगा ये पूरा 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है भाई मेरे? 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 18 मार्क्स यानी 18 नंबर आपके लिए क्या रहेगा? पासिंग मार्क रहेगा, जो कि आपका मात्र 2 घंटे का पेपर होगा। कितने टाइम का पेपर होगा? मात्र 2 घंटे का ही पेपर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 50 में से 18 नंबर पासिंग मार्क है। ठीक, देखो इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं होगा, ये पूरा एग्जाम जो होता है ना ओएमआर सीट पर होता है, यानी पूरा एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलता है, जिसमें आपको 1 2 3 4 जैसे क्वेश्चन पूछ ले, उसके 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से कौन सा सही हो आपको बताना पड़ेगा। यानी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका एक सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आपके 2 क्वेश्चन सही हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, टोटल आपके 18 क्वेश्चन सही होने जरूरी है, क्योंकि 17 नंबर वाला जो है वह फेल है। यानी आपको कम से कम पास होने के लिए 18 मार्क्स का होना जरूरी है। अगर आपके 18 मार्क्स नहीं आते हैं तो इस पेपर में आपकी बैक मानी जाएगी और आपको ये पेपर दोबारा लिखना पड़ेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और पूरा एग्जाम जो होगा आपका ओएमआर सीट पर करवाया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा और फिर उसी क्वेश्चन को ये लोग हिंदी मीडियम में लिखते हैं। बट आप समझने के लिए या इस चीजों को समझने के लिए, भाई हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप दोनों लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं, कि ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से या अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमें 50 के 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ये जून 2023 में क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। एक सारे क्वेश्चन में आप सबको सोल्व करवाने वाला, इसलिए पूरी क्लास को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखेगा। देखेगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखेगा, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगर हम लोग बात करें, क्या पूछ रहा है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की है। जैसे पहला क्या, हरमन डेली, ठीक है, या ब्रुटलैंड, या मोरिस, या ट्रेडो, किसने की है। अगर हम लोग बात करें विश्व आयोग पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की है, जिसका जो दूसरा होगा हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है, इसमें से आपको बताना पड़ेगा। जैसे क्या है, पहला है बाज, दूसरा है मेढक के डिंब कीट, तीसरा है केंचुआ और चौथा है शैवाल। भाई इसमें अपघटक जीव कौन सा है। अगर हम लोग अपघटक जीव की बात करें तो इसमें जो मेढक के डिंब कीट है, यही क्या एक प्रकार का अपघटक जीव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों में से प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। तो नहीं पूछा गया ना, जैसे पहला क्या है, वन एवं अन्य आवासों का संरक्षण, दूसरा क्या है, गरीबी या समानता, और तीसरी विश्व के ऋण को कम करना, तीसरा क्या है, शून्य प्रदूषण, और चौथा क्या है, कचरे का कम उत्पादन। तो इसमें खास तौर से सतत विकास का जो प्राथमिक वाला क्षेत्र है, उसमें इसमें से कौन सा नहीं है। तो खास तौर से इसका जो हम लोग राइट आंसर क्या बनेगा आपका, शून्य प्रदूषण, यही नहीं है, बाकी तीनों इसमें है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, इसलिए मैंने जब जब भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें देखो देखो क्वेश्चन आ गया ना, बड़ा सल्फर भंडारण सल्फर चक्र के में निहित होता, भैया किसमें निहित होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जैसे ये क्या है, मृदा, दूसरा क्या, ज्वालामुखी विस्फोट, तीसरा क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, और चौथा क्या है, पानी, इसमें कौन सा है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या है, बड़ा सल्फर भंडारण मृदा और अवसाद बोला गया था ना, तो इसमें मृदा दे रखा है, तो इसमें पहला भाई जो मृदा होगा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या देखिएगा, कोसी स्तर के चौथे स्तर पर पाया जाता है। भाई जो कोसी स्तर है उसमें चौथे स्तर पर इनमें से कौन होगा। जैसे पहला क्या है, खरगोश, दूसरा क्या है, घास, तीसरा क्या है, टिड्डा, और चौथा क्या है, बाज, इसमें कौन सा पाया जाएगा।
क्या पूछ रहा है कि पोषी स्तर का जो चौथा स्तर यानी फोर्थ स्टेज पर इसमें से कौन सा पाया जाएगा, खरगोश होगा, घास होगी, टिड्डा होगा या बाज होगा, इसमें कौन सा पाया जाएगा अगर हम लोग बात करें। तो इसमें खरगोश होगा, क्या होगा जी, खरगोश। ठीक है, ये बुक में भी मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर से है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जीव मंडल में मुख्य भूमि के भाग को के नाम से जाना जाता है। भैया जीव मंडल में भूमि को किस नाम से जाना जाता है पता है क्या, बताओ, थल मंडल, जल मंडल, इसको शहर या क्या माना जाता है, इसमें बताना है, थल मंडल बोलते हैं या जल मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, भूमि को क्या बोला जाता है। अरे भूमि को बोला जाता है थल मंडल, जल को बोला जाता है जल मंडल, वायु को बोला जाता है वायुमंडल। ठीक है, तो जीव मंडल में भूमि को थल मंडल, जल को जल मंडल, वायु को वायुमंडल बोला जाता है और जीव को जीव मंडल। तो इसमें थल मंडल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं चौथा क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। ठीक है, यही आपको मैं क्वेश्चन जब करवाता हूँ तो भैया यही बताने का कोशिश है कि इग्नू के पेपर में जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन पूछने का तौर तरीका उनका लगभग सेम ही है। ठीक है, अगर आप 6 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवाओ और 6 साल का क्वेश्चन पेपर आप लगाइए और आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्वेश्चन पूछने का इनका तौर तरीका कैसा है, ये क्वेश्चन का स्टाइल कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि भैया अरे ये तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, या क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा जा रहा है या उसी टॉपिक में से पूछते हैं, तो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला को पहचानिए जिसे बकरी, सुक्रिम और मृतपोषी, एक कौन सी आहार श्रृंखला है, इसमें क्या बतानी भाई, मेरे आहार श्रृंखला बताना है, इसमें कौन सी आहार श्रृंखला है। तो जैसे अपरदन आहार श्रृंखला है, या दूसरा क्या चराई आहार श्रृंखला है, तीसरा क्या परजीवी आहार श्रृंखला है, चौथा क्या जलीय आहार श्रृंखला है। तो कौन सी आहार श्रृंखला है, बकरी, सुक्रिम और मृतपोषी जीवाणु, कौन सी आहार श्रृंखला बनेगी, इसमें बनेगी भाई परजीवी आहार श्रृंखला बनेगी, कौन सी बनेगी जी, परजीवी आहार श्रृंखला बनेगी, यानी इसमें हमारा तीसरा राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत की गई है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत की गई थी, तो भाई मेरे किसके उपरांत की गई है, तो इसका जो राइट आंसर जैसे 1642, 1812, 1742, 1842, जिसमें जो राइट आंसर बनता है वो बनता है भाई मेरे 1842 बनता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, अगला देखो क्या पूछ रहा है, देखिएगा, जब उष्ण कटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तरों के ऊपर कम दाब के क्षेत्र बनते हैं, तो उसका निर्माण होता, भैया क्या बनता है, कह रहा कि जब उष्णकटिबंधीय जो पट्टी है उसमें 27 डिग्री से ज्यादा पानी यानी अधिक गर्म होगा और जल स्तरों के ऊपर कम दाब के क्षेत्र बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया उस समय क्या होता है और क्या आता है, तो उसको भाई बोला जाता है चक्रवात। आप चक्रवात वाला पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, जैसे इसमें दे भी रखा ऑप्शन का, जैसे वर्षा, चक्रवात, प्रति चक्रवात, सुनामी, तो इसमें चक्रवात जो है आपका हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, चक्रवात जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या, देखो, किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु जनसंख्या के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्से का कारण होती है, भैया सबसे ज्यादा बाढ़ से मृत्यु 2/3 हिस्सा का सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है, तो एक खास तो से बुक में टेबल बना रखी है, अगर आप देखोगे एक प्रकार से चार्ट बना रखा है, उसी चार्ट में से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे क्या, जैसे पहला क्या है भारत तथा बांग्लादेश, दूसरा क्या है चीन तथा बांग्लादेश, तीसरा क्या है पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, और चौथा क्या है भारत तथा नेपाल। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर आपको बनेगा इसमें पहला ही बनेगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जहां पर भैया बाढ़ से सबसे ज्यादा आदमी मरता है, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कौन करता है, कल क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसी से रिलेटेड घुमा के फिर क्वेश्चन आया है, भैया सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है क्या, मैग्रोवन, ठीक है, कोरल, चट्टाने, समुद्री तट के घनी रेते, तो क्या होगा इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या आंसर बनेगा, तो इसमें भैया आपका राइट आंसर बनेगा सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा क्या है, मैग्रोवन बताया तो था, जैसे
जब कल कहा सूर्य जी, तो कल भी ये क्वेश्चन रिपीट मारा था ना, देखो क्या क्या क्वेश्चन आता। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्या है। MAB कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है उसमें MAB है, क्या है यह भाई? MAB का फुल फॉर्म क्या है? इसमें अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल पता होगा, मैन एंड बायोस्फेयर, ये क्या इसकी बिल्कुल फुल फॉर्म है। MAB के क्या है, जो कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैन एंड बायोस्फेयर क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या है? सीड बैंक का उदाहरण है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार मार्किंग कर लो, ठीक है। ये बहुत पूछेगा, सीड बैंक किसका उदाहरण है? तो देखो, वायु स्थल संरक्षण का, यथास्थल संरक्षण का, बंधन में प्रजनन का, या पात्रीय संभावित तकनीक का, किसका है? सीड बैंक भैया किसका उदाहरण है? तो सीड बैंक जो है वह भाई मेरे वायु स्थल संरक्षण का उदाहरण है, क्या है? वायु स्थल संरक्षण का उदाहरण उदाहरण है, क्या हो जाएगा? सीड बैंक वायु स्थल का है, ये हमारा राइट आंसर। इसमें स्टार मार्किंग कर लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्या है। प्रजातियों के व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र, क्या पूछ रहा है? प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र, पहला क्या देखो कि लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है, दूसरा क्या है अभी अभी अस्तित्व में आया है, तीसरा क्या है अत्यधिक अस्थिर और प्रजातीय समाप्त हो सकती है, चौथा क्या है अस्थिर और अनेक प्रजातियां। तो 14वां का क्या बनेगा कि भाई जो व्यापक विविधता की बात करता है, जिसमें जो 14वां है आपका पहला राइट आंसर बनेगा, क्या है कि लंबी अवधि पर अधिक स्थिर होने की क्या है संभावना है, तो 14वें का पहला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देखो कल क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे कल क्वेश्चन करवा था, आया था ना पालन पोषण वाला क्वेश्चन, देखो आज फिर क्वेश्चन पूछा। पालन पोषण तकनीक के संरक्षण के लिए उपयोग की गई है, ये तो सबको पता ही चल गया होगा, अगर पता नहीं चल रहा तो भैया मेरे आपके लिए गंभीर संकट है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कल भी मैंने इस चीज को पढ़ाया था, तो पालन पोषण तकनीक किसके संरक्षण के लिए उपयोगी है? हाथी के लिए, चीते के लिए, हूपिंग क्रेन के लिए, ठीक है, या एगस गाय के लिए, किसके लिए उपयोगी है? भैया जो पालन पोषण तकनीक है वह हूपिंग क्रेन के लिए, कल भी मैंने इसको बताया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा ना इग्नू में, तो यही मैं बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता रहा है। देखिए अगला देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है। जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता हुआ कहलाते हैं, ये बार बार वायु जल अंतरा पृष्ठ वाला क्वेश्चन आया भी है, पूछो। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा ना, इसमें भी क्या कर लो स्टार मार्किंग कर लो, क्योंकि यह भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया भाई मेरे रिपीट हो गया। जो जीव जो जलीय पारितंत्र में जीव वायु तल अंतरा पृष्ठ पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता भैया पटलक, क्या बोला जाता जी? उसको हम लोग बोलते हैं पटलक, ठीक है। ये आपकी बुक में दे रखे हैं, चार पांच बातें हैं, पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए। खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है, भैया खारा जल किस पारितंत्र में सम्मिलित होता है? तो खारा जल कैसे, जैसे पहला क्या है स्थिर अंतरदेशीय झीलें, रुद्रा जलागार, तीसरा क्या स्थलित वास स्थान, चौथा ज्वारार्दन मुख। तो क्या है खारा जल जो है वह पारितंत्र में सम्मिलित होता है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है भैया? ज्वारार्दन मुख हो जाएगा, चौथा क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इसमें भी स्टार मार्किंग करो। अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र के पानी की में लवणता का परसेंट कितना? देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, कल भी यह क्वेश्चन रिपीट आया था, आज भी क्वेश्चन की हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो समुद्र के पानी में लवणता का परसेंट कितना है, कितना है पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवा रखा है भैया, 2.5%, 3.5%, 4.5%, 5.8%, कितना होता है जो समुद्री जल होता है उसमें लवणता कितनी है, औसत कितनी होती है पानी की, तो उसका 3.5% होता है, कितना होता है जी? 3.5, पहले भी मैंने बता रखा ना, यही क्या हमारा 3.5 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने क्वेश्चन है 50 के 50 करवाने हो ध्यान से देखा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषम पोषी तंत्र है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषम पोषी तंत्र है? जैसे पहला क्या है तालाब, दूसरा क्या है दलदल, तीसरा क्या है नदी, और चौथा क्या अनुप, भैया इसमें कौन सा खुला व विषम पोषी तंत्र होता है? इसमें भैया होता है नदी, ये खुला व विषम पोषी तंत्र है, बुक में आपके दे भी रखा है, अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है?
भैया पूरी दुनिया की जो प्रजातियां हैं उसका लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है? देखो पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण वर्षा वनों में, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, प्रबल भृंतियों में, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा भैया कहाँ पर पाया जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। इसका होगा तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वां क्या देखिएगा, अनुवांशिक विविधता किससे संबंधित होती है? कि भैया जो अनुवांशिक विविधता है वह किससे रिलेट करती, किससे संबंधित है? जैसे पहला क्या है, एक क्षेत्र की प्रजाति के प्रकार से, दूसरा क्या है, एक समुदाय की प्रजाति के प्रकार से, तीसरा क्या है, जीवों की संख्या और प्रकार की विविधता से, चौथा क्या है, एक ही जीन की प्रजाति के वितरण और विकास से। तो अनुवांशिक विविधता जो है किससे संबंधित है? तो अगर हम अनुवांशिक विविधता की बात करें तो भैया किससे संबंधित है? एक क्षेत्र की प्रजाति के प्रकार से। इसका पहला हो जाएगा हमारा, जो पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा 21वें का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है? भैया जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसमें सबसे अधिक क्या क्या पाई जाती है? पहला उत्पादकता, दूसरा स्थानिकता, तीसरा वनस्पति और वन्य जीव घनत्व, और चौथा क्या, विदेशी प्रजातियों का संकेंद्रण। तो भैया सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है जैव विविधता हॉटस्पॉट में, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अस्थानिकता पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक बुक में भी दे रखा है सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 23वां क्वेश्चन देखो, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला है भैया, इसमें से कौन सा जो कथन है सही नहीं है? जैसे पहला क्या है, जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक प्रजातीय विविधता है। दूसरा क्या है, द्वीप और भारत के तटीय विस्तार में काफी संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तीसरा क्या है, कोशिकीय धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाई जाने वाला जीव है। चौथा क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट लगातार खतरे में है। तो भैया जैव विविधता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भैया इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है? अगर हम लोग सही नहीं की बात करें तो इसमें से अगर आप देखेंगे, तीसरा जो है, ठीक है, धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जीव है। बाकी जैव विविधता को लेकर के तीनों बातें, पहली बात सही है, दूसरी बात सही, तीसरी बात सही, और हमको सही नहीं है बताना है। तो ये तीसरा सही नहीं है, तीसरा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टार मार्किंग करो, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखे, दर्रा बनने का कारण, भैया दर्रा किससे बनता है? पहले भी क्वेश्चन शायद मैंने करवा रखा है, दर्रा बनने का क्या कारण है? अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, मृदा अपरदन या मृदा लवणता? भैया दर्रा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मृदा अपरदन होता है जी। क्या होता है? मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी कट करके एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती है उसी को हम लोग बात करते हैं। दर्रा बनने का कारण क्या है? मृदा अपरदन हो जाएगा, रही हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए क्या है, अधिक बारीक कणों को तली में एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। भैया जो सबसे अधिक बारीक कण होते हैं उनको तली में इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग, कास्टिक सोडा का और हाइड्रोजन सल्फेट गैस का। भैया जो अधिक बारीक कण होते हैं उनको तली में इकट्ठा करने के हम लोग क्या करते हैं? कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा इसका जो तीसरा होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा बन जाएगा 25वें का, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो नेक्स्ट होने वाला, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा, वैश्विक मीठे जल का कितना परसेंट तरल के रूप में उपलब्ध होता है? यानी जो वैश्विक मीठा जल होता है वह तरल के रूप में कितना उपलब्ध होता है अगर हम लोग बात करें तो? भाई वो जैसे 5%, 10%, 15%, 20% कितना होता है? तो अगर हम लोग देखें कितना होता है, भाई मेरे 20% होता है, ठीक है। ये बुक में आपको टेबल बना रखी, उसी टेबल में आपको सारे मिलेगा क्योंकि वहां पर बाकायदा टेबल के रूप में है, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेगा इसमें क्या, 27वां क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता? जिसमें देखिए पहला क्या देखेगा, मृदा की संजगता, जल धारण क्षमता में वृद्धि, मृदा लवणता में कमी, अधिक स्थिर सुपाच्य गठन, ठीक है। इसमें अगर बात करूँ तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, मृदा लवणता में जो कमी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। यानी 27वें का अगर आप देखेंगे तो तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट होगा। देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्न लिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है, यानी कौन पूछ रहा है निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सी गैर पारंपरिक ऊर्जा, जैसे पन बिजली है, दूसरा जैव भार है, तीसरा प्राकृतिक गैस है, चौथा परमाणु ऊर्जा है। तो भाई इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक है। अगर हम लोग इसमें गैर पारंपरिक की बात करें तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारा क्या बनेगा, खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे तो पन बिजली बनेगी। क्या बनेगी? पन बिजली हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या है पन बिजली, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट हो रहा है। अगला जो हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या रहेगा, 29वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, जैसे ऊपरी असम, दूसरा कैम्बो, तीसरा क्या है कृष्णा गोदावरी बेसिन, और चौथा क्या है बॉम्बे हाई। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें इसमें से कौन सा अगर क्या आपका जो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, तो जैसे ऊपरी असम है, कैम्बो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है और बॉम्बे हाई है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारा कौन सा जो आंसर है बिल्कुल राइट बनेगा, जिसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें आपका बनेगा बॉम्बे हाई। क्या है बनेगा, इसमें आपका बॉम्बे हाई जो रहेगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें क्या है, यानी 29वें का जो चौथा है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या देखिएगा, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है। यानी क्या पूछ रहा है, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग वृद्धि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई। अगर हम लोग बात करें इसमें अगर आप देखें तो कौन से क्षेत्र में कम हुई, खास तौर से अगर आप देखेंगे जो अब जो आर्थिक वृद्धि की मांग है वो औद्योगिक जो क्षेत्र है, क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुई सबसे ज्यादा कम हुई है। चलिए देखेगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 31वां देखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट देखेगा, अपांग गैस में मुख्यता होती है। देखो पहले भी कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, अपांग गैस में मुख्यता होती है, जैसे क्या ऑप्शन क्या देखेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अगर इस बात के इसका आंसर क्या बनेगा भैया, मीथेन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32वां देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष बनाया गया। यानी जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है इसको कब बनाया गया, जैसे 1982 में, 1985 में, 1988 में, 1990 में, इसमें अगर हम लोग बात करें यानी इसको कब बनाया गया था, तो अगर आप देखेंगे तो इसको 1988 में बनाया गया। क्या, 1988 में बनाया गया। कब बनाया गया था इसको, 1988 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहले देखिए, पहला क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीसरा क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और चौथा क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात में सीधे कहूंगा कि भाई मेरे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्किंग कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं। क्या पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों का भाग नहीं है। देखिएगा पहला क्या है राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन, तीसरा क्या है राष्ट्रीय सतत प्रवास मिशन। तो अगर हम इसमें बिल्कुल राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा, इसमें भाग नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे भुखमरी, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय जो होगा ये वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि और बाकी जो है इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है शामिल किए गए हैं, तो ये बनेगा, इसमें भी स्टार मार्किंग कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है देखिएगा, बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर को संबोधित करता है। देखिए जैव विविधता को, दूसरा क्या है जैविक भरे अपशिष्ट प्रबंधन को, तीसरा क्या है ओजोन ह्रास को, और चौथा क्या ग्रीन हाउस गैसों को। तो भाई जो बेसेल सम्मेलन है वो मुख्यतः किसको संबोधित करता है, भाई वो संबोधित करता है जोखिम भरे अपशिष्टों को। क्या है, तो इसका जो हमारा दूसरा होगा बिल्कुल हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 36वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है।
क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है उसका मुख्य काम क्या है। अगर हम उसके मुख्य काम की बात करूं तो क्या होगा, देखिएगा इसमें देखेगा, पहला क्या देखेगा, पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना। दूसरा क्या है, नागरिक मुद्दों के मामलों में तीव्र गति से निपटाना। तीसरा क्या है, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियम बनाना। और चौथा क्या है, पर्यावरण के लिए कानून बनाना। इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है भाई, जो राष्ट्रीय अधिकरण है उसका मुख्य काम क्या है भैया, उसका मुख्य काम है पर्यावरण के लिए कानून बनाना। इसका जो चौथा होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया है। इसमें देखो 1991 में तो बना है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का बना था 1981 में, सॉरी 1981 में तो बना है, लेकिन इसमें पूछा संशोधन यानी अमेंडमेंट कब किया गया है, जैसे 1981 में, 1987 में, 2000 में और 1974 में। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया था 1987 में, कब किया गया था, 1987 में किया गया, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा क्या है, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी रासायनिक गैस संयंत्र से निकली थी। क्या पूछ रहा है, भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी तो उस समय संयंत्र से कौन सी गैस निकली थी। अगर हम लोग गैस की बात करें तो भाई कौन सी गैस निकली थी, जैसे पहला क्या मीथेन, दूसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा क्या है मीथेन आइसोसाइनाइड, और चौथा क्या है, ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इसमें जो होगा बात, जो तीसरा है मीथेन आइसोसाइनाइड, यही निकली थी जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो संयंत्र में से यही गैस निकली है। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, जैसे पहला क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड, दूसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा क्या ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा भी क्या है सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसमें क्या आंसर, हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा भैया, इसमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो अगर हम लोग प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो इसमें जो आपका बनेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनेगा, हमारा बिल्कुल प्राथमिक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है, जिससे जलीय प्राणी को खतरा है। जैसे पहला क्या डिटर्जेंट, दूसरा क्या मानव अपशिष्ट, तीसरा क्या कीटनाशक पीड़क नाशी, और चौथा क्या औद्योगिक अपशिष्ट। भैया निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है, जिससे जलीय प्राणियों को खतरा है। जैसे पहला डिटर्जेंट भाई क्या है, इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कीटक और पीड़क नाशी क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, यानी 40वें का तीसरा राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है, रेडियो धर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के लिए निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी। क्या बोला, रेडियो धर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के लिए निस्तारण के लिए कौन सी जो विधि है वो उपयुक्त मानी, जैसे पहला क्या है सागर में रोपण, दूसरा क्या है भूमिगत निस्तारण, तीसरा क्या है लैंडफिल निस्तारण, और चौथा क्या है भस्मीकरण। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो अगर हम इंपॉर्टेंट की बात है इसमें कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी होगी, अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है भूमिगत निस्तारण, क्या है भूमिगत जो निस्तारण है ये सबसे ज्यादा आपके लिए क्या बनेगी इंपॉर्टेंट बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है इसमें से जैविक उपचार की विधि नहीं है। तो अगर हम लोग बातें कौन सी नहीं, जैसे क्या है पहला क्या अनुकूलन, दूसरा क्या है पाचन, तीसरा क्या कंपोस्टिंग, और चौथा क्या अनुपन और टंकी में भंडारण। तो भैया कौन सी जैविक उपचार की यानी कौन सी विधि अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि नहीं है, तो इसने क्या पूछा भैया नहीं बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा अनुपन और टंकी में भंडारण, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के लिए नियमों का कारक नहीं है, जैसे भोजन की आदतों में परिवर्तन, प्राकृतिक पर नए प्रभाव, तीसरा क्या है प्रकृति के बारे में नई जानकारी, चौथा क्या है नैतिक सरोकारों का विस्तार। तो इसमें से कौन सा इंपोर्टेंट बनेगा, अगर हम लोग इंपोर्टेंट की बात करें तो बनेगा भोजन की आदतों में परिवर्तन, क्या जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो अगर हम लोग गलत की बात करें, जैसे पहला क्या है या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं के प्रदान करते हैं जिसमें भोजन पशु चारा ईंधन सम्मिलित है, भैया वनों के लिए बिल्कुल सही बात है, या विभिन्न जीवन निर्वाह पदार्थ जैसे औषधि कीटनाशी और पीड़क नाशी को प्रदान करते हैं,
यह भी लगभग सही बात है। तीसरा क्या है, ये जलाशय की सुरक्षा करते हैं, वनों कहाँ करते हैं, और मीठे जल की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए क्या होगा हमारा, यही गलत बताना ना, तीसरा हमारा क्या बन जाएगा, इसमें राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 40 का जो तीसरा होगा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं पहला और तीसरा, पहला दूसरा चौथा सही था और गलत तीसरा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं है। जैसे पहला क्या है, जनसंख्या विस्फोट, दूसरा क्या है वनों में आग, तीसरा क्या है पीड़क जीवों का हमला, और चौथा क्या है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इसमें कौन सा हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें से क्या रहेगा, इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना क्या हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ही क्या है वन अवरूपण का कारण नहीं। बाकी तीनों जो चीजें हैं, पहला दूसरा तीसरा क्या है, इससे वन अवरूपण होता ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और पूछे भी गए, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, यानी खाली स्थान परसेंट वन आच्छादन रखने की आवश्यकता है। भैया कितना परसेंट रखने की जरूरत है, जैसे पहला क्या 50% है, दूसरा क्या 25% है, तीसरा क्या 40% है, और चौथा क्या 33% है, इसमें कितना रखने की जरूरत है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हो क्या हो जाएगा हमारा, 33% रखने की क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्किंग करो और ऊपर वाले में भी स्टार मार्किंग करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है, जैसे ऊंट, बगीचों की छिपकली, रात्रि रात्रि चर, ठीक है, या सांप, तो इसमें कौन करता है। इसे अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखें क्या होगा, इसका ये भी क्वेश्चन कल करवाया था, जिसमें तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो यही बता रहा हूँ कि इग्नू में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्य को महत्व देता है उसे क्या, भैया ऐसा कौन सा मनोभाव है जो गैर मानव जीवों से ज्यादा मनुष्य को अधिक महत्व देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधनकर्ता, मानव केंद्रता, जैव केंद्रितावाद, पारिस्थितिक स्त्रीवाद, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मानव केंद्रिता। ठीक है, यानी 48वें का हमारा दूसरा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या 49वां देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, इवांस केंद्र नहीं है, जैसे पहला क्या राष्ट्रीय व्यवसायगत स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, दूसरा क्या है टाटा मूलभूत अनुसंधान मुंबई, तीसरा क्या है सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, नई दिल्ली, और चौथा क्या है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान लखनऊ, यानी इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम लोग नहीं की बात करेंगे तो इसमें दूसरा क्या बनेगा, दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, यही टाटा मूलभूत अनुसंधान मुंबई, यही नहीं बाकी तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का देखिएगा। ठीक है, एम्पियन परीक्षण खाली स्थान का पता लगाने के लिए उपयोग में करते हैं। ठीक है, इसमें किसका किसका करते हैं, जिसके अगर आप देखें इसका पहला हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 50वें पर भी स्टार मार्किंग कर लेना और 49वें पर तो स्टार मार्किंग करना ही करना है। ठीक है, तो जहां जहां पर मैं बताता हूँ स्टार मार्किंग कर लो, उस पर आप लोगों को स्टार मार्किंग करके ही जाना है। और 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में करवा दिया है, और ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में रिपीट होगा ही होगा। तो जो जो मैंने करवाया है, जो जो मैंने बताया है, उसको आपको करके जाना जरूरी है। इसी प्रकार से मैं आप सबको अगर मैं बताऊं तो दिसंबर 2021 का और जून दिसंबर 2020 का भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको जरूर करवा दूंगा। अभी इसकी दो क्लास आपको और देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तक मैंने 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया है, यानी 200 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अभी 100 क्वेश्चन मैं आप सबको और करवा दूंगा। तो डेली मैं 50 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के करवाता हूँ, और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को आपको करके जाना जरूरी है। ठीक है, ये आप सबके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसको करके जरूर जाइएगा, और ये इसको पढ़ करके भी आपको क्या जाना है, जाना ही जाना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट करके देख लेना, पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो रिप्लाई कर देना भाई मेरे कमेंट। ठीक है जी।